एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को दहेज न लेने का देना होगा प्रमाण पत्र। संविदा कर्मियों के मानदेय से होगी ईपीएफ की पूरी कटौती। यूपी के शिक्षकों व शिक्षा मित्रों के लिए ये ट्रेनिंग अनिवार्य। प्रेरणा डीबीटी ऐप पर आधार प्रमाणीकरण में लखनऊ कमजोर। प्रदेश के 697 केंद्रों पर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा। प्रदेश में 2445 स्टाफ नर्स की होगी भर्ती। छुट्टी में शिक्षकों को बुलाने पर विधायक ने की आपत्ति। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईएफ यूट्यूब चैनल पर। सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को दहेज न लेने का देना होगा प्रमाण पत्र। लखनऊ, राज्य सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। 31 अप्रैल 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा। महिला कल्याण विभाग ने सभी सरकारी सेवकों को प्रमाण पत्र देने के लिए 18 अक्टूबर तक का समय दिया है। प्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 लागू है। इसमें वर्ष 2004 में संशोधन करते हुए नियम 5 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है। इसी नियम का पालन कराने के लिए एक बार फिर महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेज दिया है। निदेशक महिला कल्याण मनोज कुमार राय ने बताया कि 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सरकारी सेवकों को दहेज न लेने का घोषणा पत्र देना होगा। लखनऊ, 35,000 से अधिक ग्राम रोजगार सेवकों को अब 5,280 रुपये की जगह 7,500 रुपये नकद मिलेंगे। बाकी धनराशि कर्मियों की ईपीएफ में जमा होगी। इसी तरह से अन्य संविदा कर्मियों को बढ़ा हुआ भुगतान मिलेगा। ग्राम्य विकास विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ईपीएफ की पूरी कटौती पहले की तरह कर्मचारियों के मानदेय से ही कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 6,780 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की थी। मनरेगा कर्मचारी सम्मेलन में 4 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों सहित अन्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था, वह इसी माह से प्रभावी हो रहा है। अभी कर्मचारियों के वेतन के सापेक्ष भविष्य निधि का धन जमा किया जाता है। इसमें कर्मचारी के वेतन से 12% और 13% नियोक्ता की ओर से जमा किया जाता रहा है। ग्राम रोजगार सेवक को ही मिलने वाले 6,000 रुपये में 12% कटौती करने से उन्हें 5,280 रुपये नकद मानदेय मिलता था और सरकार की ओर से पीएफ में 13% अंशदान से कुल मानदेय 6,780 हो जाता था। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के शिक्षकों को के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3.0 की शुरुआत कर दी गई है। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों का मूल्यांकन भी होगा और 70% अंक प्राप्त करने पर ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण को शिक्षकों के अलावा शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को भी करना अनिवार्य है। निष्ठा 3.0 कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों पर आधारित है। इस कार्यक्रम को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस कोर्स में पंजीकरण करने के बाद एक निश्चित समय में कोर्स पूरा करना होगा। एक कोर्स को पूरा करने में 3 से 4 घंटे का समय देना होगा। हर कोर्स को पूरा करने के बाद प्रशिक्षार्थी को ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट देना होगा और इसमें निर्धारित अंक प्राप्त करना होगा। 70% अंक प्राप्त करने पर ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अक्टूबर से मार्च 2020 तक सभी शिक्षकों को 12 मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। हर महीने में दीक्षा पोर्टल पर 2 कोर्स अपलोड किए जाएंगे। हर महीने 2 कोर्स करने होंगे। डायट फैकल्टी, एआरपी, केआरपी, एसआरपी, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र व अंशकालिक अनुदेशकों को यह प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी कोर्स की प्रगति की मॉनिटरिंग करेंगे। प्रेरणा डीबीटी ऐप पर आधार प्रमाणीकरण में लखनऊ कमजोर, अल्टीमेटम। लखनऊ, प्रेरणा डीबीटी ऐप पर प्रसिद्धि विद्यालयों के छात्र व उनके अभिभावकों के आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में लखनऊ प्रसिद्धि साबित हो रहा है। एक माह में महज 12% छात्रों को ही डाटा वेरीफाई हो सका है, जबकि प्रसिद्धि विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में छात्रों की संख्या करीब 2,09,421 है। जिले स्तर पर अधिकारियों के इस ढुलमुल रवैये पर विभाग के कर्मचारियों ने फटकार भी लगाई, मगर हालात जस के तस हैं। प्रदेश सरकार इस बार प्रसिद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और बस्ता मुहैया कराने के बजाय उसे खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि सीधे अभिभावकों को खाते में देगी। स्वेटर के लिए 200 रुपये, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये, जूते के लिए 135 रुपये, बस्ते के लिए 100 रुपये और मोजे के लिए 21 रुपये दिए जाएंगे। धनराशि प्रेरणा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऐप के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व इंचार्जों को डीबीटी ऐप डाउनलोड कर छात्रों व उनके माता पिता का डाटा आधार से वेरीफाई करना है। शासन और विभाग की गंभीरता के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने इस पर ध्यान नहीं दिया। खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 58,381 विद्यार्थियों के डाटा का ही परीक्षण हो सका है।
बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने इस पर लिखित में गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने प्राथमिकता पर आकार पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आ रही समस्याएं, शिक्षकों के अनुसार ऐप डाउनलोड करने में समस्या आ रही है। डाउनलोड होने के बाद छात्रों और उनके माता पिता का डाटा नहीं दर्शाता है। ऐसे में बिना डाटा के आधार से वेरीफाई करना असंभव है। जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 रविवार को सूबे के 697 केंद्रों पर होगी। परीक्षा सूबे के मंडल मुख्यालय वाले जनपदों में बनाए गए केंद्रों पर आयोजित होगी। पहली पाली में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में प्रधानाध्यापक के दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा में कुल 336,371 परीक्षार्थी हैं, जबकि दूसरी पाली में 19,559 अभ्यर्थी हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूलों सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन लिया गया था। इसकी परीक्षा 17 अक्टूबर को सूबे के मंडल मुख्यालय वाले जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली में सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पहले प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में प्रधानाध्यापक की द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच संपन्न होगी। जिले में यह परीक्षा 107 केंद्रों पर होगी। परीक्षा को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें 2,445 स्टाफ नर्स की होगी भर्ती। लखनऊ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM उत्तर प्रदेश की ओर से 2,445 स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। संविदा पर स्टाफ नर्स की भर्ती की जाएगी और इन्हें प्रतिमाह 20,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। अभ्यर्थी 20 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। अंतिम तारीख 9 नवम्बर निर्धारित की गई है। NHM UP की मिशन निदेशक अर्पणा उपाध्याय की ओर से भर्ती प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी NHM UP की वेबसाइट पर खाली पदों और भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। स्टाफ नर्स की भर्ती NHM द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में की जाएगी। भर्ती में सर्वाधिक मैटरनल प्रोग्राम के अंतर्गत 900 स्टाफ नर्स की भर्ती होगी। 1 साल की संविदा पर भर्ती होगी और कार्य बेहतर रहा तो आगे की संविदा की अवधि बढ़ाई जाएगी। अंक सुधार परीक्षा के मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को मौखिक रूप से 9वीं और 10वीं के दिन भी बुलाया गया है। इसकी सूचना मिलने पर विधान परिषद में नेता शिक्षक दल सुरेश त्रिपाठी ने बुधवार को यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल से मुलाकात कर आपत्ति जताई। शिक्षक विधायक ने सवाल किया कि आखिरकार किस आदेश के तहत शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। शिक्षक विधायक ने बताया कि सचिव ने इससे अनभिज्ञता जताई और जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा को फोन करके गुरुवार और शुक्रवार को मूल्यांकन के लिए किसी शिक्षक को मूल्यांकन केंद्र पर आने पर बात नहीं करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधि मंडल में कुंज बिहारी मिश्र, रामसेवक त्रिपाठी, मंडलीय मंत्री अनुज कुमार पांडे, रविन्द्र पांडे आदि रहे। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।